वेलकम बैक वंस अगेन टॉक विथ शुभम यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से आ चुकी नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए कुल 3800 से भी अधिक पदों पर भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग केवल और केवल कक्षा 10वीं पास हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर फर्स्ट टाइम ये हो रहा है कि केवल और केवल 10वीं पास वाले महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। अगर यहाँ पे आपको डाउट है कि कौन कौन से राज्यों से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, और यहाँ पे आपको कई सारे राज्यों के नाम भी मिल जाएंगे। मैं एक बार आपको राज्यों के नाम क्लियर करवा देता हूँ, उसके बाद आप लोग वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। पहला यहाँ पे आंध्र प्रदेश, देन यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, इसके बाद यहाँ पे दिल्ली, लक्षद्वीप और पांडुचेरी। इसके अलावा भी अगर कोई सा राज्य है और आप लोग उन राज्यों के कैंडिडेट हैं और आवेदन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। बिकॉज ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप लोग बिना किसी फॉर्म शुल्क के आवेदन कर सकते हैं, और आपका सिलेक्शन भी बिना किसी एग्जाम और इंटरव्यू के केवल और केवल नॉर्मल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ ऐसी जानकारी बताई जाने वाली है जो कि आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी। इसके अलावा अगर आपकी एज 18 से लेकर 43 साल के बीच में है तो आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हैं आवेदन कर पाने के लिए। वेतन की बात करें तो 25,500 रुपये तक आपको यहाँ पे मंथली का वेतन दिया जाएगा। पोस्ट नेम क्या रहेगी, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बस एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखें। अगर वीडियो आपको आपके काम की लगे तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, और आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं नॉर्मल सी बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के आपको नोटिफिकेशन को डिटेल में दिखा देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से आ चुकी नई भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए कुल 3800 से भी अधिक पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। यहां पर मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए, और बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के केवल और केवल नॉर्मल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आप सभी का चयन यानी कि सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि केवल अगर 10वीं पास है तो भी आवेदन कर पाएंगे। इसका प्रूफ आपको मैं शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंदर दूंगा कि वहाँ पे कितना मांगा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और आपकी एज कम से कम 18 और अधिक से अधिक 43 वर्ष की होनी चाहिए, तो आप लोग इजिली अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा भी यहाँ पे फॉर्म फीस जो शुल्क है बिल्कुल फ्री है, और यहाँ पे वेतन आपको 25,500 रुपये मंथली तक का दिया जाएगा। अगर बात करें शॉर्ट नोटिस की तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी 3,800 श्रमिकों को रोजगार देगा। यहां पे आपको आगे पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं, जहां से आपको आवेदन करने का और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑफिशियल लिंक मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको आवेदन करने का और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के साथ साथ कई सारी जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए, अप्लाई फॉर 3800 लेबर पोस्ट वैकेंसी के लिए आपको आवेदन करना होगा।
जी हाँ दोस्तों, श्रमिक यानी कि लेबर की पोस्ट पर यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग लिंक working.org पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि 3800 टोटल नंबर वैकेंसी हैं और लेबर की पोस्टें यहाँ पे आपको मिलेंगी। अगर बात करें यहीं पे एज के बारे में, तो आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 43 वर्ष की होनी चाहिए। यहीं पे अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी या फिर एससी एसटी या फिर किसी भी कैटेगरी की फीमेल यानी कि महिला उम्मीदवार बिल्कुल फ्री में निशुल्क आवेदन कर पाएंगे। देन टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, आप लोग क्लिक हियर पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट रहेगा। बात करें कौन कौन से राज्यों से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे राज्यों की लिस्ट दे दी गई है। वैसे तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, पर आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें यहाँ पे वेतन के बारे में, तो 15,100 रुपए से लेकर 25,500 रुपए तक का मंथली का यहाँ पे वेतन भी आपको दिया जाएगा। बात करें एजुकेशन के बारे में, तो केवल और केवल मैट्रिकुलेशन यानी कि आपका 10वीं पास होना कंपलसरी है। इसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट डेट से पहले अप्लाई जरूर से कर देने हैं और यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन है वो बिना किसी एग्जाम के केवल और केवल डॉक्यूमेंट वेरीफाई के आधार पर किए जाएंगे। इसके बाद आपको मिलेगा इम्पोर्टेंट लिंक्स का सेक्शन, जहाँ पे आपको 3-4 तरह के लिंक मिलेंगे। सबसे पहले लिंक working.org की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा। इसके बाद आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने का, आपको सबसे पहले linkworking.org की साइट पे चले जाना है, जहाँ पे आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड काफ़ी बड़ा और अच्छे से अपडेट मिलने वाला है। देख सकते हैं PWD रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए, अप्लाई ऑनलाइन फॉर 3,800 लेबर पोस्ट वैकेंसी के लिए आवेदन करने होंगे। यहाँ पे आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन से लेकर पूरी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। बिना किसी डाउट के आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको अप्लाई का, नोटिफिकेशन का और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है। तो आपको सिंपली एक काम करना है, सबसे पहले यहाँ से नीचे आना है। शॉर्ट नोटिफिकेशन की बात करें, PWD में यहाँ पे 3,800 श्रमिकों को रोजगार देगा। इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, राज्य मुख्यालय की तरफ से न्यूज़ है, लोक निर्माण विभाग शुरू कराएगा निर्माण कार्य। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में बनी समिति ने फैसला लिया कि केंद्र और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार सोमवार से काम शुरू कराए जाएंगे। कुल 180 परियोजनाओं से करीब 3,800 श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद श्रमिकों को परियोजना स्थल पर ही उन्हें रहने और खाने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट और संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर अन्य रुके हुए निर्माण कार्य शुरू होंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा उपायों का पूरा पालन कराया जाएगा। गांव में ही लोगों को रोजगार मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। किसानों की उपज खरीद के लिए खुले क्रय केंद्रों पर सरकार की नज़र है, इन पर किसानों के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दी जाएगी। विकास के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस न्यूज़ से केवल हमको ये समझ में आ रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से जितने भी काम रुक गए थे उनको अब फिर से शुरू किया जा रहा। टोटल यहाँ पे सरकार की 180 योजनाएं हैं, जिनमें करीब 3,800 श्रमिकों को रोजगार मिलेगा और जो रोजगार मिलेगा उनको वहीं पे रहने और खाने की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जितने भी रुके हुए निर्माण कार्य हैं वो फिर से शुरू होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम कराए जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और गाँव में रोजगार आपको मिलेगा, यानी कि आप लोग जिस भी गाँव जिले से हैं वहाँ पर आपको काम दिया जाएगा। इसके अलावा भी यहाँ पे कई सारी वैकेंसी आ चुकी हैं। आवेदन कैसे करना है इसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के लिए 500 लाइक का टारगेट है। जितना जल्दी कंप्लीट करेंगे उतना जल्दी आपको आवेदन करने का वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से प्यून प्रोसेस सर्वर स्वीपर की वैकेंसी है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे HPSC की तरफ से ADO और SDAO के 526 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं और यहाँ पे आपको कांस्टेबल और ड्राइवर की वैकेंसी भी मिल सकती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिस भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे जरूर एक बार ट्राई करिएगा, इसके बाद ही आप लोग अप्लाई करिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगली अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।